Hello my dear students, once again welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today we are going to start NCERT Maths Class 7, Chapter number 8, Exercise 8.3 Introduction. Students, last exercise में हमने percentage के बारे में पढ़ा था कि किसी fractions को percentage में कैसे change करते हैं या फिर percent का मतलब क्या होता है, meaning क्या होता है, इसके बारे में हमने study कर लिया है. Now students, today रेशियो टू परसेंट यानी रेशियो को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए, सपोज कोई रेशियो हमें गिवन है 2:3:5. सपोज दिस इज रेशियो, कोई क्वांटिटी है इस रेशियो में गिवन है, हमने इसको चेंज करना है परसेंटेज में. परसेंट में चेंज करना है कि ये रेशियो जो गिवन है कितने कितने परसेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ रेशियो. क्या करते हैं? सम ऑफ रेशियो. सम ऑफ रेशियो करते हैं तो स्टूडेंट्स देखते हैं रेशियो का सम 2+3+5 करेंगे. 2+3+5, 3 to 5 + 5 is 10. यानी सम ऑफ रेशियो क्या हो गया? 10 हो गया. नाउ चेंज करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले 2 को 2 अपॉन टोटल, सम ऑफ रेशियो में टोटल आएगा, यहाँ पे टोटल कितना है 10. 2 upon 10 into 100 करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा परसेंट में, राइट. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 10 10 100 और 10 into 2 करते हैं तो ये आएगा आपका 20%. तो ये फर्स्ट जो रेशियो था उसको परसेंटेज में चेंज कर दिया. नाउ सेकेंड 3 के लिए करते हैं, 3 अपॉन में टोटल सम ऑफ रेशियो आएगा अपॉन 10 into 100. अगेन 10 10 100, 10 3 जा, दिस विल बी 30, यानी 30%. एंड नाउ थर्ड वन 5 4, इसको भी हम परसेंट में चेंज करेंगे. 5 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो यहाँ पे 10 into 100. स्टूडेंट्स 10 10 जा 100 एंड 10 5 जा 50. तो स्टूडेंट्स इस तरह ये क्या हो गया आपका 10 5 जा 50%. तो देखिए सम ऑफ परसेंट करेंगे तो 20 + 30 50 50 50 100, तो टोटल हमेशा 100 में से ही यहाँ पे आता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह हम किसी भी रेशियो को परसेंट में चेंज कर लेते हैं इजली. आप भी इस तरह कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. स्टूडेंट्स नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. स्टूडेंट्स इन डेली लाइफ आप सुनते होंगे कि हमें प्रॉफिट हो गया, इतने का लॉस हो गया. बिजनेस मैन कहते हैं कि आज मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ, आज इतने का लॉस हुआ. या फिर शॉपकीपर को देखा होगा आपने, वो भी कहते हैं कि हमें इतने का लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, आज मुझे प्रॉफिट हुआ. इस तरह के वर्ड आपने बहुत सुने होंगे. तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं या कैसे लॉस फाइंड करते हैं या फिर कब प्रॉफिट होता है एंड कब लॉस होता है. तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं. जैसे सबसे पहले सीपी, सीपी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज को जैसे आपने परचेज किया है या जो भी आपने बॉट किया है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. यानी कोई भी चीजें आपने जिस कॉस्ट रेट में खरीदे हैं, अगर आप कुछ चीजें खरीदे हैं, आप शॉपकीपर हैं, कोई चीजें आपने रख दिए खरीद दिए, मतलब दैट इज कॉस्ट प्राइस. नाउ सेकेंड वन सेलिंग प्राइस, एसपी कहते हैं इसको, कहते हैं सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब होता है जो आपने खरीदी हुई चीजें थी जो जिस कॉस्ट में खरीदा था, आफ्टर दैट आपने उसको सेल किया होगा. यानी शॉपकीपर क्या करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे क्लोथ की शॉप है, वो क्या करते हैं क्लोथ्स खरीदते हैं, आफ्टर दैट क्या करते हैं वो सेल कर देते हैं. दैट इज सेलिंग प्राइस, जिस कॉस्ट में आप उसको बेचेंगे दैट इज सेलिंग प्राइस. नाउ स्टूडेंट्स अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं. देखिए प्रॉफिट, नाउ स्टूडेंट्स प्रॉफिट कब होगा आपको, देखिए अगर आपने किसी चीज को कम रेट में खरीदा है
और उसको अधिक में बेच दिया है। माना आपने एक पेन खरीदा स्टूडेंट्स 10 रुपीज में, आपने क्या किया, एक पेन खरीदा आपने 10 रुपीज में, उसको आपने 15 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 15 हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, यानी सेलिंग प्राइस अधिक हो गया, यानी किसी पेन को आपने 10 में खरीदा था और 15 में बेच दिया, ऑब्वियसली आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 5 रुपीज का, दिस इज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस अधिक होगा, यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाता है कॉस्ट प्राइस से तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और कितना प्रॉफिट हुआ इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो जो प्रॉफिट हुआ होगा आपको, प्रॉफिट अपॉन जो कॉस्ट प्राइस होगा सीपी इनटू 100 कर देंगे तो आपका ये परसेंट आ जाएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, इसी आप फाइंड कर सकते हैं ना। लॉस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, लॉस कब होगा आपको स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को जैसे आपने 10 रुपीज में पेन खरीदी थी, यू गॉट अ पेन 10 × 10 रुपीज एंड सेल बाय 15 रुपीज, और 15 रुपीज में आपने उसको सेल कर दिया है, सॉरी अगर किसी पेन को आपने 10 रुपीज में परचेज की है और 5 में उसको सेल कर दिया है, यानी 10 में परचेज करने के बाद अगर 5 में आपने सेल किया है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने 10 में परचेज किया था, उसको सेल किया कितने में, 5 में सेल किया, तो डेफिनेटली 5 रुपीज का आपको यहाँ पे लॉस हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे एसपी इज लेस देन सीपी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स अब लॉस कितने का हुआ है ये फाइंड करने के लिए आपने सीपी में से माइनस करना पड़ेगा एसपी को, यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पे लॉस मिलने वाला है कि कितने का आपको लॉस हुआ है ना। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालने के लिए जितने का लॉस हुआ होगा अपॉन यहाँ पे सीपी, दोनों में सीपी आते हैं, यहाँ पे भी सीपी यहाँ पे भी सीपी इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लॉस परसेंट आने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखिए एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह करेंगे हम, और एग्जांपल यहाँ पे किसी भी चीज को आपने सपोज कॉस्ट प्राइस आपका था 50 रुपीज, 50 रुपीज में कोई भी थिंग आपने परचेज किया एंड सेलिंग प्राइस उसको आपने सेल कर दिया कितने में, 60 रुपीज में, 50 में परचेज किया या फिर बॉट किया था कितने में, 50 में एंड सेलिंग कर दिया, सेल कर दिया आपने 60 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस अधिक है क्योंकि 60 है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे आपको होता है प्रॉफिट, अभी भी सेलिंग प्राइस अधिक हो जाता है तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आपका 60 माइनस 50, यानी 60 माइनस 50 इज 10, यानी आपको 10 सपोज रुपीज से 10 रुपीज का आपको क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट परसेंट अगर आपने निकालना है तो देखिए प्रॉफिट परसेंट अगर आपने निकाला है तो किस तरह निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 अपॉन सीपी, सीपी इज व्हाट, सीपी यहाँ पे था आपका 50 × 100 राइट, तो 50 × 100 यहाँ पे 10 × 2 10 × 20, तो इसमें 20% का आपको क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस।
लॉस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, आप उसे सॉल्व करेंगे।